बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टीकेएस ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माहे उरूज टीकेएस सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, वालदैन एक नेमत हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए और इसके लिए हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। चलें अपने सामने बुक्स खोल लें। आज हम उर्दू बराए शिशम का सबक नंबर 1 जो कि नज़म हम्द है उसी पढ़ाई करेंगे। सफ़र नंबर 1 खोलें और अपने हाथ में पेंसिल्स रख लें। जब मुश्किल अल्फाज आएँ उसके नीचे अंडरलाइन कर लें ताकि जब मैं बाहर में आपको मीनिंग्स बताऊं तो आप लोग लिख सकें, राइट कर सकें। सबसे पहले हम हम्द का मतलब समझते हैं। हम किससे कहते हैं? हम्द अल्लाह से बंदे की मोहब्बत बयान करने का एक खूबसूरत तरीका है। हम्द में शायर अल्लाह की बनाई हुई दुनिया इसमें मौजूद चीज़ों और ख़ूबसूरती को बयान करते हैं। शायर अल्लाह की रहमी और करीमी सिफात का जिक्र करते हैं। सब का यह मतलब हुआ कि हम्द में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हम्द के शायर का नाम तुफैल होशियारपुरी है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर कोई नोट करना चाहे तो कर ले, वरना ये एक जनरल नॉलेज है लिए, सही? तुफैल होशियारपुरी 17 जुलाई 1914 में को होशियारपुर में पैदा हुए थे। 17 जुलाई 1914 में पैदा हुए थे। सही है? और 4 जनवरी 1993 को इनका इंतकाल हुआ था। ये एक जनरल नॉलेज है आपका है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो अपने पास कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। सबने नोट कर लिया है? 4 जनवरी 1993 को इंतकाल हुआ था तुफैल होशियारपुरी का, और 17 जुलाई 1914 में होशियारपुर में वो पैदा हुए थे। ये एक जनरल नॉलेज है लिए आपकी, नोट करना चाहें तो कर लें। चलें अब बुक ओपन कर लें अपने सामने। अच्छा बच्चे, अगर आप लोगों में से किसी की पिक्चर ब्लर आ गया तो अपनी बुक पे फोकस करें, आप लोग उसको देखें, उस पर आपको समझ आती रहेगी। मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक की तरफ देखें। तेरी खुशबू है लाला जारों में, तेरी खुशबू है लाला जारों में, तेरे अनवार चांद तारों में। शेर नंबर 1 में लाला जारों मतलब बाग, अनवार नूर की जमा है और नूर का मतलब होता है रोशनी। आपके पास 1 मिनट है, इसको नोट कर लें।
नोट कर ले बच्चों। ये आप सब नोट करें, कल मैं आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगी। सबसे पहले मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। तो पहले शेर का मतलब ये है, शायर अल्लाह की कुदरत का बताते हुए कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत का कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। ये मंदरजा ज़ेल में मैं आपको तफसील से बयान करती हूँ। ये जो चांद सितारे चमक रहे हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। ये जो फूल बागों में महकते हैं, इनमें हमें तेरी खुशबू महसूस होती है। ये जो चांद तारे चमकते हैं, इनमें भी अल्लाह का ही नूर नज़र आता है। निशानियाँ क्या हैं अल्लाह की? ये जो दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, सूरज का निकलना, चांद तारों का निकलना, पहाड़, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं, ये कैसे खड़े हुए हैं? ये सब का करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ। शायर शेर में ये भी कहते हैं कि हमें इस दुनिया में हर तरफ अल्लाह ताला का ही जलवा दिखाई देता है। रात को आसमान पे चांद और तारे निकलना भी अल्लाह ही की कुदरत है। ये जो फूल बागों में महकते हैं, इनमें भी तेरी खुशबू महसूस होती है। समझ आ रही है आप सबको? अगले शेर की तरफ जाते हैं। हुस्न बन कर तू मुस्कुराता है, हुस्न बन कर तू मुस्कुराता है, सुबह के नुकरई नज़ारों में। मीनिंग नोट कर लें। शेर नंबर दो में नुकरई का मतलब है सुबह की हल्की हल्की रोशनी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी से क्या मुराद है? मतलब जब सुबह फजर का टाइम होता है, उसके बाद हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, उसको हम ये कहते हैं। नोट कर लें अपने पास मीनिंग। नोट कर लिए बच्चों आप सब ने? अच्छा, जिसने मुझे अभी क्लास ज्वाइन की है, उसे लिए मैं शेर नंबर ए की तशरीह दोबारा से कर देती हूँ ताकि वो हमारे साथ चले। शेर नंबर एक में शायर अल्लाह की कुदरत का इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि ये जो चांद सितारे चमक रहे हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। ये जो फूल बागों में महकते हैं, इनमें भी तेरी खुशबू महसूस होती है। ये जो चांद तारे चमकते हैं, इनमें भी अल्लाह का ही नूर नज़र आता है। शेर नंबर दो की तरफ चलते हैं आप। शेर नंबर दो में शायर अल्लाह बताते हैं कि अल्लाह का जो जलवा है, जो हुस्न है, कुदरत है, वो सुबह के नज़ारों को अगर गौर से देखो तो ये सब दरख्त, परिंद चरिंद, ज़मीन आसमान, ये सब मेरे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं।
अगर इंसान महसूस करे, अगर हम इस चीज़ पे गौर करें कि ये सब कैसे है, तो हमें अल्लाह की कुदरत इसमें नज़र आती है। बच्चे जिसके पास ये बुक नहीं है, आप ये बाय कर लें बाहर से, सही है। अब ये वाली बुक होगी, इसका कवर देख लें आप। अच्छा, ये जो सुबह होती है इसमें भी तेरा ही जलवा नजर आता है। सूरज की रोशनी जब हर तरफ फैलती है तो जो हसीन नज़ारा देखने को मिलता है उसमें भी तेरी खूबसूरती नज़र आती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आवाज़ आती है, सबसे पहले कौन अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू करता है? मुर्गा होता है, अजान देता है, चरिंद परिंद के हमें आवाज़ें शुरू हो जाती हैं आना, हर तरफ रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सैर को जाते हैं, जिनको बाहर सुबह की सैर करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो इस सब चीज़ों को देख कर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शेर नंबर 3, हर गुले तर में है तेरी रंगत, हर गुले तर में है तेरी रंगत, जलवा गर है तू ही बहारों में। सबसे पहले मायने देख लेते हैं। गुल मतलब फूल, तर गीला, मतलब जिस चीज पे कभी कोई पानी हम गिरा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तर हो जाता है, गीला हो जाता है। जलवा सामने आना, नोट कर ले अपने पास। मैं आपको शुरू से मायने बता देती हूँ, अल्फाज मायने, जिन लोगों ने नहीं नोट किया अपने पास वो दोबारा से कर लें। लाला जारों बाग, अनवार नूर की जमा, नूर मतलब रोशनी, नुकरई सुबह की हल्की हल्की रोशनी, गुल फूल, तर गीला, जलवा सामने आना। अपने पास से नोट कर लें सब। मैं वेट कर रही हूँ आप सब ये नोट कर लें मीनिंग्स। नोट कर लें बच्चों अपने पास ही। मैं वेट कर रहा हूँ। बच्चे अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड। अच्छा, शेर नंबर 3 के पे चलते हैं हम लोग। Wow.
अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं पूछूं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ माइक और मैं सवाल पूछने लगी हूँ। हसन जाहिद, आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। हसन जाहिद, हम किसे कहते हैं? मैं किसी की तारीफ बयान करना, अल्लाह की तारीफ बयान करना। सही जी, सही है। बंद नंबर एक, शेर नंबर एक की तशरीह की आप हाशिर, आप मुझे बताएं। जी हाशिर, अनम्यूट माइक करें आप अपना। अच्छा चलें, हम छः नंबर तीन की तरफ चलते हैं। आप छः नंबर तीन में शायर तीसरे शेर में पहले वाले शेर की तारीफ बयान कर रहा है कि हर फूल जो तरह ताज़ा है, इसकी जो रंगत है, इसमें भी अल्लाह का ही जलवा नज़र आता है। बहार के मौसम में जब दरख्तों पर फूल और पत्ते खिलते हैं तो इसमें भी अल्लाह का ही जलवा दिखाई देता है। हर रंग के फूल खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हर तरफ बिखरे हुए रंग और खुशबू अल्लाह की तकरीर का मुंह बोलता सबूत हैं। जो बहार का मौसम आता है उसमें फूल पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं तो लोगों को, इंसानों को वो बहुत अच्छे लगते हैं, आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस बंद में भी, तीसरे बंद में भी शायर ने पहले वाले शेर की तारीफ बयान कर रहा है। पहले वाले शेर में क्या था, अल्लाह की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती बयान कर रहा था शायर के। जो लालाजारों का मैंने क्या मतलब बताया था, बाग, बाग में क्या होते हैं, फूल पत्ते होते हैं, सही है। तो शायर ने तीसरे बंद में भी उसी शेर की तारीफ बयान की है। मैं दोबारा से शेर नंबर एक से शेर नंबर तीन तक रिपीट कर देती हूँ कि जिसको समझ नहीं आई या जिसने मुझे लेट ज्वाइन किया उसको मेरा लेक्चर समझ आ जाए। शेर नंबर एक में सबसे पहले हम देख लेते हैं हम्द किसे कहते हैं। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। शेर नंबर एक में शायर अल्लाह की कुदरत का कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि ये जो चांद सितारे चमक रहे हैं ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। ये जो फूल बागों में महकते हैं इनमें भी हमें तेरी खुशबू महसूस होती है। शेर नंबर दो में शायर कहते हैं कि अल्लाह का जलवा, जो जलवा है, जो हुस्न है, कुदरत है, वो सुबह के नज़ारों को अगर हम गौर से देखें कि सब दरख्त, चरिंद, परिंद, ज़मीन, आसमान, ये सब अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे होते हैं अगर इंसान महसूस करे इसे। शेर नंबर तीन में शायर कहते हैं कि बहार के मौसम में जब दरख्तों पर फूल और पत्ते खिलते हैं तो इसमें भी अल्लाह का ही जलवा दिखाई देता है। हर रंग के फूल खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हर तरफ बिखरे हुए रंग और खुशबू अल्लाह की तखलीक का मुंह बोलता सबूत है।
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कल आपसे पहले प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। उम्मीद है सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। छोटी।